अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा क्षेत्र से आज तिलक राज सिंह यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने लाव लश्कर के साथ वह तस्मीर महल पर पहुंचे तो सुरक्षा बलों ने उनको रोक लिया। वहां से प्रत्याशी तिलक राज यादव के साथ दो अन्य लोगों को जाने की अनुमति मिली। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह छर्रा विधानसभा में विधायक की तरह पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आगामी समय में अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो बहुत सारे काम करेंगे। सुनिए मैं आप तिलक राज सबसे सिंह यादव ने क्या और कहा। छर्रा विधानसभा की जनता से चाहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद देकर मेरा हौसला अफजाई करें और मुझे चुनाव जिताने की जिताएं। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में शामिल रहूँगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली प्राथमिकता, बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, महिलाओं की सुरक्षा है, ये सब चीज़ें हैं। जिस तरह से कल चंद्रशेखर ने कहा है कि अखिलेश जो है वो दलित विरोधी हैं, तो क्या आप मानते हैं कि दलित? अब ये उनका अपना पर्सनल मामला है, अखिलेश उनकी उनकी क्या 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 हुआ है, क्या हुआ है नहीं, अब ये मैं तो नहीं कह सकता, ये चंद्रशेखर जी का कहना होगा। नहीं, मुझे क्या लगता है अखिलेश यादव दलित हितैषी हैं? देखिए, अब ये दलित हितैषी है या नहीं, ये उनका अपना अपना मामला है। अरे, किस तरह देख रहे हैं आप आपकी छर्रा विधानसभा के अंदर अभी तक जितनी टिकटें फाइनल हुई जी, इससे आप अपना मुकाबला मान? मेरा, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ किसी से मेरा मुकाबला। मैं 4 साल से ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे स्वयं इस वक्त विधायक हूँ। बिना विधायक होते हुए मैंने लोगों के साथ हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनके बीच में रहा हूँ। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। दूसरी तीसरी लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे हैं और आप देख रहे होंगे लगभग 4 साल पहले ही मेरा टिकट घोषणा कर दी थी। मेरी पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति दावेदारी नहीं की, अन्य जगह तो बहुत सारे लोग दावेदारी की है जिन्होंने, जिनको टिकटें एक ही व्यक्ति को मिली है, वहाँ कैसा विरोध हो रहा है। वो विरोधी मुझे जिताने में काफ़ी मदद करेगा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि बसपा जो है इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इनिंग खेल रही है। वो कभी भारतीय जनता पार्टी, जब जब बसपा उसमें रही है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गड्ढे में गई है। बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने कभी जो है भाजपा का साथ नहीं दिया। ठीक, थैंक यू।